नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज दोस्तों है 3 नवंबर 2021, बुधवार का दिन है और आज है काली चौदस। आप सभी लोग, काफी लोग, मतलब सभी तो नहीं है लेकिन काफी लोग जो बहुत ज्यादा परेशान है, अनवांटेड पीपल, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में आ गया है, जैसे आप पति पत्नी है लेकिन कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है जो आपके रिलेशन को खराब कर रहा है। आप कहीं शादी करना चाहते हैं बट कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है जो आपको अलग रख रहा है, शादी नहीं होने दे रहा है। कोई ऐसा इंसान जो आपके खिलाफ जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और लोगों से, समाज से, घर से, एरिया से आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ को हर्ट कर रहा है, आपको हैरान परेशान कर रहा है, तो आप इस उपाय को जरूर कर लें काली चौदस के दिन, मतलब आज के दिन। आप चाहे तो इसको दिन में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको रात को भी कर सकते हैं, ठीक है? करना आपको काली चौदस के दिन है। और एक चीज, शत्रु, यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, उसको हटाने के लिए। तीसरा, कोई भी ऐसी कंडीशन जैसे ग्रह क्लेश है, घर के अंदर कलह रह रहा है, आपकी बॉडी में कोई तकलीफ है, तो भी आप इसको करें। मतलब कोई भी कंडीशन जो आपको नहीं चाहिए आपकी लाइफ में लेकिन वो जबरदस्ती है और आप उसे दूर करना चाहते हैं, तो भी आप इस उपाय को करें, ठीक है? आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है। नींबू दोस्तों यदि धारी वाला मिलता है तो बहुत बेस्ट रहेगा। धारी वाले से मेरा मतलब है, आप जहां नींबू हो वहां आप देखना, नींबू के मतलब ढेरों नींबू में कहीं एक या दो ही नींबू आपको धारी वाले मिलते हैं। नींबू के ऊपर ऐसी एक लाइन बनी होती है, खड़ी लाइन। तंत्र मंत्र यदि इस नींबू पर किया जाता है तो समझिए आपकी जिंदगी में वो चीज रहेगी नहीं जिसे आप निकालना चाहते हैं, इतना पावरफुल होता है। तो यदि आपको धारी वाला नींबू मिलता है तो बहुत बेस्ट रहेगा, वही ले। लेकिन नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, जो भी नींबू आपको मिल जाए वो ले। बस इतना ध्यान रखें नींबू सड़ा गला ना हो, बासी ना हो, दाग धब्बे वाला ना हो, अच्छा ले, फ्रेश ले, ठीक है? और आपको उस पर काजल से उस व्यक्ति का नाम लिखना है, थर्ड पर्सन का जो आपकी लाइफ में आ गया है, उस शत्रु का जो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपसे लड़ झगड़ रहा है। या तो आप उस थर्ड पर्सन का अलग उसको करना चाहते हैं तो उसका नाम लिखें, शत्रु का भी नाम लिख सकते हैं। और यदि कोई बीमारी है तो आप उस बीमारी के बारे में लिखें, बीमारी का नाम पता ना हो तो अज्ञात बीमारी आप ऐसा लिखें। गृह क्लेश है तो आप गृह क्लेश लिख दें, ठीक है? मतलब जिस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, गरीबी, तो गरीबी लिखें। आपको उसको लिख देना है काजल से। और सुई, वो सुई चाहिए जो आपके घर में यूज होती हो, ठीक है? सुई को आप उसके ऊपर गाड़ दे, उसके ऊपर लगा दे अच्छे से, और अपने ऊपर से उसको 14 बार आपको उवार लेना है। कितनी बार? 14 बार आपको उस नींबू को अपने ऊपर से उवार लेना है। और जहां बरगद का पेड़ हो वहां जाकर के थोड़ा सा गड्ढा करे और उस नींबू को गाड़ दे, बस। वैसे दोस्तों इस क्रिया को यदि आप आम दिनों में करते हैं तो आपको कंटिन्यू 3 या 5 दिन करना पड़ता है, लेकिन यदि आप काली चौदस के दिन करते हैं तो एक बार ही करने में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। गाड़ दें और बिना पीछे देखे अपलोड करके आ जाएं, समझिए वो चीज आपकी लाइफ से निकल जाएगी। तो करते रहें, खुश रहें। जानकारी अच्छी लगती तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।